हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे रू अफ़ज़ा जेली मिक्स शरबत की रेसिपी। सुपर टेस्टी ये शरबत बनकर तैयार होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और सुपर टेस्टी रेसिपी है, वो भी बहुत ही कम टाइम पर बनकर तैयार होती है। आप इसे रमज़ान में इफ्तार के लिए फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी शरबत। शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम जेली बनाएंगे फील्ड की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। ये 90 ग्राम का पैकेट है और इसका जो MRP प्राइस है 50 रुपए है। पैकेट को कट कर लेंगे। जेली बनाने का पूरा पाउडर को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसके अंदर एक छोटा पैकेट भी है, इसे भी हम कट कर लेंगे और इसका पाउडर भी हम इसी जेली वाले मिक्सर में ऐड कर देंगे। जेली बनाने के दोनों मिक्सर को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, इसे अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ जेली बनाने के लिए हम यहाँ पर 500 ml पानी ले लेंगे। पानी को यहाँ पर अच्छे से उबाल आने तक पकने देंगे। जब पानी में इस तरह से उबाल आ जाए तब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उबले हुए पानी को यहाँ पर हम जेली के मिक्सर में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और जेली में इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। एक साथ आपको यहाँ पर पूरा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और पानी में जेली के मिक्सर को अच्छे से मिलाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद जेली को जमाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कांच की ट्रे ली है। इस ट्रे में जेली का सारा लिक्विड ऐड कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह की कोई कांच की ट्रे नहीं हो तो आप स्टील के बर्तन में भी जेली को जमा कर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से जमकर तैयार होगी। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर 40 मिनट के लिए रख देंगे। 40 मिनट के बाद ये देखिए जेली काफी अच्छे से जम चुकी है। मैं इसे आपको पलट कर दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम यहाँ पर परफेक्ट जेली जमी हुई है। अब इसकी हम छोटी छोटी पीस बनाकर तैयार कर लेंगे जिसे हमें शरबत में ऐड करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे मेरे सारे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। सारी पीस कट करने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये जेली बनकर तैयार है। आप इस तरह से बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चों की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा जेली है, तो आप इस तरह से बनाकर भी उन्हें दे सकते हैं। दूसरी तरफ 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सब्जा को गर्म पानी में भिगो दिया है। इसे 1 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम शरबत बनाने के लिए 1 लीटर यहाँ पर ठंडा दूध लिया है। इस दूध में हम रू अफ़ज़ा ऐड करेंगे। 1 कप दूध में 1/2 कप यहाँ पर मैं रू अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ। रू अफ़ज़ा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे भीगा हुआ सब्जा। शरबत में सब्जे का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और ये गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इसे कभी भी बनाकर पी सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून शुगर पाउडर। शुगर पाउडर ऐड करके दूध में हम अच्छे से मिलाएंगे। बहुत ही ज्यादा हेल्दी और सुपर टेस्टी ये रेसिपी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। सभी को ये शरबत बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। अब इसमें ऐड कर देंगे कट किए हुए जेली के पीस। शरबत में बच्चों को जेली के पीस बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। रू अफ़ज़ा जेली मिल्क शरबत बनकर तैयार है। 1 गिलास में हम यहाँ पर आइस के क्यूब ऐड कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा सब्जा ऐड कर देंगे और शरबत को ठंडा ठंडा सर्व कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम पर बहुत ही ज्यादा हेल्दी रू अफ़ज़ा जेली मिक्स शरबत बनकर तैयार है। आप इसे रमजान में या गर्मियों में कभी भी बनाकर पिए, ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।